और ये दम हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, इसे ना पूरी पराठा रोटी और चावल दाल के साथ भी खाया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट अरवी दम बना है फ्रेंड्स, और बहुत आसान विधि से हम आपको बताए हैं, कोई झंझट भी नहीं है और ना कोई परेशानी है, तो इसे तो बनाना बनता है फ्रेंड्स। इसे धनिया के पत्ती से हमने सजा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी दम। ये हूबहू आलू दम की तरह हम बनाएंगे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी समय मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अरबी हम 1 किलो के करीब ले लिए हैं, और आप ना अपनी आवश्यकता अनुसार ले लीजिएगा। अरबी को पहले से उबाल रखे हैं, तो अरबी को हम छील लेंगे। अरबी हर साइज के है, बड़ा भी है, देखिए छोटा भी है, हर साइज के मिलता है अरबी, एक साइज का नहीं मिला है। और ये देसी अरबी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर 250 ग्राम के करीब करीब हम प्याज ले लिए हैं और 2 टमाटर ले लिए हैं, देसी टमाटर है मेरे गमले के। प्याज और टमाटर को हम काट लें और अरबी को हम छील के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये 2 सीटी में गल गया है, क्योंकि छोटा बड़ा हर साइज के है, तो अरबी आराम से उबाल के आप छीलिएगा ना, तो ईचिंग नहीं होता है हाथ में। अरबी छीलते समय बहुत सारा सड़ा गला निकल जाता है, जो देखने में नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है, है ना। उसी अनुसार ग्रेवी की तैयारी कर लीजिएगा। तीखी मिर्च डाल रहे हैं और यहीं पर डालेंगे हम नमक, यहीं डाल देंगे हल्दी, थोड़ी सी गरम मसाला, यहीं पर डाल देंगे दही, 1 से 2 चम्मच के करीब दही है। दही डाल के फ्रेंड्स अच्छे से अरबी में मिला देंगे। अरबी अच्छे से गल चुका है, एक लाई हम तोड़ के आपको दिखाते हैं, देखिए है ना। थोड़ा भी अरबी अगर कड़ा रहे वो मत मिलाइएगा, और इसको मिलाकर लपेट के अब इसको 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। चलिए अब चूल्हे के पास चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कढ़ाई चढ़ा रखे हैं, यहीं पर डाल देंगे हम सरसों का तेल, है ना। तो सरसों के तेल ना आप अपने अंदाज से डाल लीजिएगा, कितना सब्जी है उसी अनुसार सरसों का तेल डालिएगा। दम मारी हुई है फ्रेंड्स, तो तेल का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये प्याज और टमाटर हम काट लिए हैं फ्रेंड्स। तेल में से हल्का फुल्का धुआं निकलना शुरू हो गया है, यहीं पर डाल देंगे 1 तेजपात, यहीं पर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। फ्रेंड्स जीरा छिटक चुका है, यहीं पर डाल देंगे प्याज और टमाटर दोनों। यहीं पर डाल देंगे नमक, नमक डाल देने से ना प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए प्याज का कलर चेंज कर गया है। अब यहीं पर डाल देंगे मसाला, मसाला क्या क्या डालना है वो हम आपको दिखा देते हैं। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च है, धनिया है और जीरा है, घरेलू मसाला है वो डाल रहे हैं। यहीं पर डाल देंगे तीखी मिर्च, टेस्ट अकॉर्डिंग जाएगा फ्रेंड्स। अरवी दम है, थोड़ा चटक बनाइएगा तभी मज़ा आएगा खाने में, पूरी पराठा और रोटी के साथ खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। यहीं डाल देंगे लहसुन पेस्ट है, 1 चम्मच के करीब हम अंदाज से डाल रहे हैं। 1 छोटी चम्मच किंग मसाला डाल रहे हैं, अभी गरम मसाला नहीं डालेंगे, पहले इस मसाला को भून लेंगे। प्याज को गला कर इसका पेस्ट बना लेना है, है ना फ्रेंड्स। 1 कटोरी के करीब हम यहाँ पर पानी डाल देंगे, पानी डाल देने से ना प्याज गल जाएगा ना, तो पेस्ट आराम से बन जाएगा, है ना। अब आंच को धीमा करके इसे प्याज को हम गला के पेस्ट बनाकर फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम खोल के आपको दिखा रहे हैं, और इसको ना दबा दबा के भारी कलछुल से ऐसे ऐसे करके हम मसल लिए हैं, और प्याज ना टूट गया है, बहुत ज़्यादा नहीं टूटा है लेकिन काम बन जाएगा, है ना। जो थोड़ा बहुत साबुत दिख रहा है ना फ्रेंड्स, वो आपको अरबी के साथ भून जाएगा। यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा हींग, हींग नहीं डाले हैं तो यहीं पर हींग हम अक्सर डालते हैं, तेल में डालिएगा ना तो जल जाता है। और यहीं पर डाल देंगे अदरक,
और कितना मस्त कलर आया है फ्रेंड्स देख। और ये जो अरबी हम सान के रखे हैं यही पर अरबी डाल देंगे, साथ में अरबी के डाल दिए फ्रेंड्स। अब अरबी को ना मसाले के ऊपर हम कोट चढ़ाएंगे, है ना, आँच को धीमा कर देंगे, धीमी धीमी आँच पर अरबी को हम पकाएंगे। दही के साथ है तो थोड़ी देर तक चलाएंगे, फटेगा नहीं क्योंकि दही के साथ मसाला भी है फ्रेंड्स। यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा कलर मसाला, साथ में यहीं डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला इसमें डाले हैं इसलिए अंदाज से गरम मसाला पाउडर यहाँ पर मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए गरम मसाला, वो भी टेस्ट को बिगाड़ देता है ज़्यादा हो जाता है तब। पाउडर है फ्रेंड्स तो पाउडर हम डाल रहे हैं, अगर साबुत आपके पास है पाउडर नहीं है तो यहाँ प्याज गला रहे थे ना वहीं पर डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। इसे ढक दिए थे ताकि जो अरबी कच्चा हो वो भी पक जाए साथ में। थोड़ी देर अरबी को पकाना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अरबी को ना बीच से हम काटे नहीं है, साबुत ही रखे हैं क्योंकि ये छोटा छोटा था ना इसीलिए। यहीं पर डाल देंगे फ्रेंड्स हम धनिया पत्ती, थोड़ा सा सजाने के लिए हम रख लेंगे, बाकी सब डाल देंगे। साथ में जो धनिया पत्ती भूनता है ना फ्रेंड्स उसका अलग खुशबू आता है, और यहीं पर आप टेस्ट करके देख लीजिएगा नमक सही है कि नहीं है, है ना, तब उसके बाद आप नमक मिक्स कीजिएगा। अब ग्रेवी रखना है कि लाघा लिपटा रखना है, मन करे तो ऐसे भी खा सकते हैं आप, पूरी पराठा के साथ खाना है फ्रेंड्स तो ऐसे रखिएगा, ये ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में, है ना। अगर पूरी पराठा के साथ आपको नहीं खाना है तब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ग्रेवी डाल दीजिएगा, चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ग्रेवी रहता तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। देखिए इसे भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है और अच्छे से मसाला भून गया है, है ना, और बीच बीच में ढक भी रहे थे और ओपन भी इसे भून रहे थे और सही ढंग से भुना आ गया है, इसका कलर बहुत मस्त आया है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, यहीं डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अंदाज से डालिएगा, कितना पानी डालना चाह रहे हैं उसी अनुसार डालिएगा, टेस्ट करके देखे हैं फ्रेंड्स, है ना, पानी डालने से पहले सही था, नमक वगैरह सब सही है क्योंकि अरबी में भी हम नमक डाले थे और मसाला में भी नमक डाले थे तो सब इसका मसाला सही है। अभी इसे ढक देते हैं, 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे फ्रेंड्स। इसे ढक दिए थे, खोल के हम अब देख रहे हैं इसमें के तेल तो सब समा गया है फ्रेंड्स, लेकिन अरबी ना बहुत अच्छी बनी है, है ना, काफ़ी खुशबूदार बनी है और बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे और ढक देते हैं, जो तेल छोड़ना होगा तो कहीं बाद में छोड़ देगा ऊपर। अब गैस को ऑफ कर दिए फ्रेंड्स, खोल के हम देखते हैं और 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। पहले ना बहुत अच्छा तेल दिख रहा था लेकिन अभी तेल एब्जॉर्ब कर लिया है और इसे पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। कैसी लगी अरबी दम, आपको किस चीज़ के साथ खाना पसंद पड़ता है, रोटी के साथ या चावल के साथ, ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा।